रामपुर के नए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली उपलब्धि। लालपुर हत्याकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में मारी गोली। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेजा, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। लालपुर कांड के ये अब तक के चार आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और चारों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद ही गिरफ्तार किया है। दो आरोपी पहले मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए थे और दो आरोपी आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए हैं। लालपुर हत्याकांड का अभी मुख्य आरोपी दानिश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जनपद रामपुर के कोतवाली टांडा क्षेत्र के लालपुर कला गांव में हारून प्रधान पर कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के दौरान हमला किया था। इस हमले में हारून प्रधान के भतीजे वसीम की मौत हो गई थी और हारून प्रधान घायल हो गया था। इस मामले में आज पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों की पुलिस से पहले मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। इससे पहले भी पुलिस ने लालपुर हत्याकांड के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद ही गिरफ्तार किया था। आज जिन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है वे नाजिम और रियाज हैं। लालपुर कांड में ये मुख्य आरोपी थे और उस कांड में ये शामिल थे। 12 अप्रैल को पूर्व प्रधान हारून पर कुछ बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े गोली चला दी गई थी। हारून के भतीजे वसीम उन्हें बचाने आए तो वो भी घायल हो गए और उनकी मौके मौत हो गई। इस प्रकार से हारून पूर्व प्रधान घायल हो गए थे और उनके भतीजे वसीम की मौके मौत हो गई थी। ये बदमाशों द्वारा खुली चुनौती थी और दिन दहाड़े गाँव में फायरिंग की गई थी। इसमें 5 लोग नामजद किए गए थे और 2 अज्ञात थे जो मौके पर दिखाए गए थे और 2 120 बी के अभियुक्त बनाए गए थे। जिन 5 लोगों को नामजद किया गया था उनके नाम थे दानिश, रियाज, नाजिम, राहत और हम। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना के दिन ही राहत और हारून को जो नामजद अभियुक्त थे उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों अभियुक्त सऊदी अरब भागने की फिराक में थे। घटना को अंजाम देने के बाद जब इन्हें दिल्ली से लाया जा रहा था तो टांडा क्षेत्र में कोसी नदी के किनारे इन्होंने शौच के बहाने से उतरे और भागने का प्रयास किया। पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी और ये दोनों लोग घायल हो गए थे। इन्होंने पूछताछ पर बताया था कि घटना में इनके साथ नादिर, शरीफ और इमरान भी शामिल रहे। इस प्रकार से इस घटना में 8 लोग मौके पर विवेचना के दौरान आए कि 8 लोग मौके पर थे और 2 120 बी के। आज थानाध्यक्ष टांडा गौरव सिंह यादव को सूचना प्राप्त हुई कि जो नामजद अभियुक्त थे और उनके साथ नादिर, 3 नामजद अभियुक्त दानिश, नादिर, नाजिम और रियाज, ये चारों अभियुक्त मुरादाबाद की तरफ से टांडा क्षेत्र में आएंगे और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर इन्होंने थानाध्यक्ष स्वार को भी सूचित किया और थानाध्यक्ष स्वार हरिंदर सिंह और थानाध्यक्ष टांडा अपनी टीम के साथ मुरादाबाद बॉर्डर पर डट गए। उधर से 2 मोटरसाइकिलों पर 4 आदमी आते हुए दिखाई दिए, इन्होंने रोकने का इशारा किया। उन लोगों ने रोकी नहीं मोटरसाइकिल, पुलिस में फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में नाजिम और रियाज पुलिस गोली से घायल हो गए और गिर गए। इन्हें मैं मोटरसाइकिल और नाजायज असलहों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दानिश और नादिर भागने में फरार सफल हो गए। इस प्रकार से